नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश अनुभव न्यूज। पेश है आज की खास खबर। राजधानी लखनऊ में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई बार सुर्खियों में रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को हजरतगंज कोतवाली लाया गया। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में अमिताभ ठाकुर को किया गया गिरफ्तार। 3 दिनों से हाउस अरेस्ट थे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर पहुंची हजरतगंज कोतवाली। पति से मिलने पहुंची नूतन ठाकुर को पुलिस ने मिलने से रोका। नूतन ठाकुर का आरोप, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जबरन पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाया गया है हजरतगंज थाने में अमिताभ ठाकुर जी को। क्या है पूरा मामला, किस लिए लाया गया? देखिए, आधिकारिक रूप से मुझे नहीं बताया गया है कि क्यों लाया गया है, किस लिए लाया गया है। मीडिया के जरिए जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा जा रहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने एक युवक और युवती ने आत्मदाह किया था, उस मामले में अरेस्ट किया गया। और मैम, यहाँ पर लाया गया है, कुछ बताया गया था पहले, हाउस अरेस्ट भी सुबह किया गया था। से जब से अमिताभ ठाकुर जी ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने की बात कही है उसके बाद से ही हमारे खिलाफ प्रताड़ना शुरू हो गई थी। पहले जब गोरखपुर जाना था उससे पहले 2 दिन इलीगल डिटेंशन में रखा गया, हाउस अरेस्ट में रखा गया। उसके बाद आज सुबह भी तमाम पुलिस के फोर्स आए जो निगरानी रखे हुए थे घर पे, हाउस अरेस्ट में थे, निकलने से मना किया था, दोपहर में अरेस्ट किया। यहाँ आपसे मुलाकात करने दी अभी नहीं? नहीं, मुलाकात नहीं करने दी है, बल्कि जब मैंने कहा कि एक बंद कमरा है उस पर आप क्या करेंगे नहीं करेंगे तो आप मुझे दूर से देखने दीजिए, तो दूर से देखने तक से भी मना किया। आप एक वकील भी हैं, तो क्या वकील की हैसियत से भी नहीं मिले? मैंने यही कहा कि मैं एडवोकेट हूँ और उनके एडवोकेट के रूप में मुझे वहाँ रहने दीजिए। मैं दूर से, मैं आपको जो पूछताछ करनी हो आप पूछताछ करिए, मैं बस दूर से देखूंगी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया।